आज का राशिफल 16 मई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 16 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज गुरुवार सुबह 6:23 पर समाप्त हो चुकी है। अब नवमी तिथि चल रही है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। आज गुरुवार शाम 6:15 तक मघा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 16 मई को सुबह 8:23 तक ध्रुव योग रहेगा। आज 16 मई को जानकी जयंती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:12 से 5:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:49 में और सूर्यास्त शाम 6:56 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 3:32 से शाम 5:19 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:01 से दोपहर 3:40 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृष राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धन, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरुग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है।
फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरु में नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पते नमः या ओम रोम री रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 16 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य को निराशाजनक सूचना मिल सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आप अगर किसी नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो इसे कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि समय अभी अनुकूल नहीं है। आपके पिताजी आपके मनमानी रवैये से नाराज हो सकते हैं, ऐसे में आपको उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे विनम्रता से पेश आना चाहिए। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जो घर की नकारात्मकता को कुछ हद तक कम करेगा और सकारात्मकता का संचार करेगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये समय शुभ संकेत दे रहा है। आपको समाज में लोगों का समर्थन मिलेगा और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी नए पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नींबू का रंग। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए एक उपाय है कि वे शमी के पौधे की पूजा करें। शमी पौधा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे धार्मिक रूप से पूजा जाता है। इसे समर्थ और प्राचीन वृक्ष माना जाता है, जिसे पूजन से संकटों का निवारण हो सकता है और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। शमी पौधा की पूजा विधि, सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और एक लोटे में शुद्ध जल लें। शमी वृक्ष के समीप जाकर पहले उसे प्रणाम करें, फिर उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें। तिल के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। शमी के पौधे पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होने लगते हैं। शमी का पौधा मुख्य रूप से शनि देव का पौधा माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, इस पौधे को लगाने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति शनि की बुरी दृष्टि से बचना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए और नियमित रूप से उस पौधे की सेवा करनी चाहिए। शमी की पूजा मेष राशि के जातकों को सुरक्षिति, स्थायिता और आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद कर सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए मान सम्मान में वृद्धि का समय है, लेकिन साथ ही कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनौतियां भी आ सकती हैं। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ बहस में उलझने की संभावना है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। जीवन साथी के साथ भी कुछ कहासुनी हो सकती है, इसलिए आपको अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
किसी पुरानी गलती के उजागर होने की संभावना है, जिससे आपको अपने अधिकारियों के सामने सफाई देनी पड़ सकती है। नौकरी में नए बदलाव और बढ़ती जिम्मेदारियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसे अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के संकेत स्पष्ट हैं। उनकी मेहनत रंग लाएगी और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभवों का होगा, जहां आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृष राशि के जातकों के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना उत्तम होगा। ये स्त्रोत श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने उनको ये स्त्रोत बताया था। सूर्य के समान तेज पाना चाहते हैं या युद्ध या मुकदमों में विजय के लिए ये पाठ अमोघ है। आदित्य हृदय स्त्रोत्र को काफी महत्व दिया गया है। इस स्त्रोत्र का नित्य पाठ करने से जातक की कुंडली में सूर्य सहित सभी ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये स्त्रोत आपकी भाग्यशाली स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है और आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा और आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी संतान आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी और उनकी प्रगति आपको गर्व महसूस कराएगी। हालांकि पारिवारिक समस्याओं के कारण आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों को समय देना और उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की कोशिश करना आवश्यक होगा। इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और घर का माहौल भी सुधरेगा। धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो इसे चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उधार लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और भविष्य की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखें। शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। किसी भी शारीरिक समस्या को छोटा समझकर अनदेखा न करें, बल्कि तुरंत उचित इलाज कराएं, अन्यथा ये समस्या बढ़ सकती है और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विभिन्न अनुभवों से भरा रहेगा। संतान की खुशखबरी जहां आपको खुशी देगी, वहीं पारिवारिक समस्याएं और वित्तीय चुनौतियां आपको सतर्क रहने की मांग करेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और परिवार के साथ समय बिताते हुए आप इस दिन को संतुलित तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है कि वे गणेश जी को लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं। 21 दूर्वा को एक साथ इकट्ठी करके एक गांठ बनाई जाती है तथा कुल 21 गांठें गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। गणेश जी हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता और सृष्टि के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 21 दूर्वाओं का एक बंडल ब्रह्मांड से शक्तियों को आकर्षित करके पूरे घर में फैलाता है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। गणेश जी को लड्डू और दूर्वा चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो सकती है। लड्डू उनके प्रिय भोग है और दूर्वा उनके पूजन में उपयुक्त है। इस पूजा से जीवन में समस्त कठिनाइयों का निवारण हो सकता है और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ऊर्जा और जोश से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, इसलिए सतर्क और चौकस रहना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की गुप्त योजना या षड्यंत्र को समय रहते भांप कर उसके अनुसार कदम उठाने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे आपको उनकी देखभाल और चिकित्सा पर ध्यान देना होगा। ये समय आपके धैर्य और देखभाल की परीक्षा का हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे और एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। ऐसे आयोजनों से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और सभी का मनोबल बढ़ता है। आप अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने का प्रयास करें, ताकि समय का सही उपयोग हो सके। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इससे आप अधिक उत्पादक हो पाएंगे। यदि आपने कहीं लोन के लिए आवेदन किया था, तो उसके स्वीकृत होने की पूरी संभावना है, जिससे आपके वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो ये समय अनुकूल हो सकता है।
नए परिवर्तनों को अपनाने से आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। इस प्रकार आज का दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा, जिसमें सतर्कता, देखभाल और ऊर्जा का सही उपयोग आपको सफल बनाएगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के लिए आज का उपाय है कि आप श्री गणेश जी को मोदक अर्पित करें और गणेश चालीसा पाठ करें। मोदक गणेश जी का पसंदीदा भोजन माना जाता है और उन्हें ये बहुत पसंद है। मोदक को भोग के रूप में प्रस्तुत करने से गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं और आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप मोदक को बना सकते हैं या उसे खरीद सकते हैं और फिर उसे आज के दिन श्री गणेश जी के पूजा स्थल पर अर्पित करें। ध्यान दें कि पूजा के दौरान विधिवत आरती, मंत्र जप और प्रार्थना करें। कपूर से आरती करें और ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र जाप करें 108 बार। मंत्र का अर्थ, जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो अपने भक्त जनों के पाप को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं, वैसे प्रभु आप मेरे सभी कार्यों की बाधाओं को शीघ्र दूर करें। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। गणेश जी के आशीर्वाद के साथ आपकी सभी संकट दूर हो सकते हैं और आपको सफलता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आप नए घर की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके भविष्य के निवास और स्थिरता के बारे में आपकी सोच और तैयारी का पता चलता है। हालांकि इस प्रक्रिया में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके आसपास रह रहे कुछ शत्रु आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इन शत्रुओं से सतर्क रहते हुए और उनकी चालों को समय रहते समझकर आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। संतान की पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको उन्हें अधिक समय और ध्यान देना पड़ेगा। उनके शैक्षिकी विकास में आपकी सक्रिय भागीदारी उन्हें प्रोत्साहित करेगी और उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके लिए पुरानी यादों को ताजा करने और मित्रता के बंधन को मजबूत करने का अवसर हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा और सभी सदस्य उत्साह से भर जाएंगे। इस शुभ अवसर के आयोजन और तैयारी में सभी व्यस्त रहेंगे, जिससे परिवार में एकता और सामूहिकता का अनुभव होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसी प्रमोशन के मिलने से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। ये बदलाव आपके करियर में उन्नति और नए अवसरों का संकेत है, हालांकि इसमें समायोजन और नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती भी शामिल होगी। कुल मिलाकर आज का दिन विभिन्न अनुभवों से भरा रहेगा, जिसमें सतर्कता, पारिवारिक जुड़ाव और करियर में प्रगति की संभावना होगी। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग पीला। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज सूर्य बीज मंत्र का जाप करना उत्तम होगा। मंत्र, ओम ग्रिणी सूर्याय नमः। ये मंत्र सूर्योदय होने के बाद स्नान करके पूजा स्थल में बैठकर जाप करें। सूर्य मंत्र का जाप करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है। ये व्यक्ति में अच्छाइयों को बढ़ाता है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। सूर्य बीज मंत्र का जाप करने से आपको आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और सौभाग्य में सुधार हो सकता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और उसका जाप आपको सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर सकता है। इस उपाय से आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कन्या राशि फल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी और मनवांछित फलों से भरा रहेगा। आपको अपने प्रयासों का मनचाहा लाभ मिलेगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और संतोष में वृद्धि होगी। विशेष रूप से वे जातक जो विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी मिल सकती है, जो उनके व्यापारिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप अपने मौजूदा व्यवसाय के साथ साथ किसी अन्य नए काम की योजना भी बना सकते हैं। ये योजना आपके व्यापार को विस्तार देने और नए अवसरों को तलाशने में मदद करेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए भी आज का दिन शुभ है। शेयर बाजार से जुड़े लोग आज लाभ अर्जित कर सकते हैं और उनके निवेश में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। भाग्य आपके साथ है, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। यह आपको मानसिक शांति और संतोष देगा।
उनके आशीर्वाद और समर्थन से आप अपने कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार के साथ आपका सहयोग और उनकी भावनाओं को समझना पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखेगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए लाभकारी, उत्साहवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको अपने व्यापार, निवेश और पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे आप सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए एक उपाय है कि वे आज मंदिर में गुड़ और आटा दान करें। मंदिर में दान करना हिंदू धर्म में सेवा और दया का माध्यम है और इससे चरित्र निर्माण होता है। गुड़ और आटा दान करने से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की मदद करता है और सामाजिक सहायता में योगदान करता है। इस प्रकार की सेवा से आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यह उपाय कन्या राशि के जातकों को सहायक हो सकता है और उन्हें आत्मिक और सामाजिक समृद्धि मिल सकती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक रहेगा। सबसे पहले आपको अपने आवश्यक कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये समय अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उन पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करने का है। आवश्यक कामों को समय पर पूरा करने से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। यह मुलाकात आपके लिए पुरानी यादों को ताजा करने और मित्रता को पुनः सजीव करने का अवसर होगी। मित्र के साथ बिताया गया समय न केवल आपके मन को प्रसन्न करेगा बल्कि आपको मानसिक संतुलन भी प्रदान करेगा। आज आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। स्वस्थ और व्यवस्थित दिनचर्या न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इससे आप अधिक अनुशासित और संगठित महसूस करेंगे। आपको किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। ये सम्मान आपके मेहनत और प्रयासों का प्रतिफल होगा जो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके मन में आत्मनिर्भर होने की भावना बनी रहेगी। ये भावना आपको अपने कार्यों में और अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा। आपकी और आपके साथी की बॉन्डिंग और गहरी होगी जिससे आपके रिश्ते में चल रही दूरियां समाप्त होंगी। ये समय एक दूसरे को समझने और संबंधों को मजबूत बनाने का है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके भविष्य के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक हो सकती है। यात्रा के दौरान मिले नए अनुभव और ज्ञान आपके जीवन को और समृद्ध बनाएंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विविधतापूर्ण और सकारात्मक अनुभवों से भरा रहेगा। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना होगा, मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना होगा और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लेमन। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए एक उपाय है कि वे आज सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें, फिर श्री राम की वंदना करें। 3 बार भगवान राम का नाम लें और हनुमान जी के स्तुति मंत्र का जाप करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करें और दोहों के बीच में पाठ करते हुए भगवान राम का स्मरण करें। राम सिया राम जय जय राम या मंगल भवन अमंगल हरी रविधुसु दशरथ अजर बिहारी। और दोहों के बीच में पाठ करते हुए भगवान राम का स्मरण करें। राम सिया राम जय जय राम या मंगल भवन अमंगल हरी रविधुसु दशरथ अजर बिहारी। यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसके लिए तड़के 4 बजे से 6 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ आप 11, 21, 31, 41 दिन तक कर सकते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी के भक्त होने के कारण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे रोजाना पाठ करने से विभिन्न कष्टों का निवारण हो सकता है। इसके साथ ही हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना भी एक उत्तम उपाय है। हनुमान जी को बूंदी से प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ये पूजा आपके जीवन को प्रेरित कर सकती है और आपको आगामी कठिनाइयों से साहस और सामर्थ्य मिल सकता है। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास से भरपूर और प्रोत्साहन देने वाला है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे।
आपकी कार्य की गति तेज रहेगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए विरोधी भी उत्पन्न हो सकते हैं। इससे आपको अपने कौशलों को दिखाने का अवसर मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकेंगे। आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना होगा। आप अपने वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खर्च करने का निर्णय लेंगे। वित्तीय स्थिति को समय पर समझने और इसका सामान्य संतुलन बनाए रखने में सावधानी बरतें। आप जीवन साथी के लिए कुछ कपड़े और आभूषण खरीदने की योजना बना सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में नई खुशियां और मजबूती आएगी। आपको अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समय और सोच लगाने की आवश्यकता होगी। अपने पार्टनर के साथ मन में चल रही उलझन को समझने के लिए आपको उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते में समझौता होगा और आप एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाए रखेंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृश्चिक राशि का उपाय है कि आप गेहूं, गुड़, केले और कंबल का दान करें। गेहूं, गुड़, केले और कंबल दान करने से आप दान की श्रेष्ठता में भागीदार बनते हैं। ये धार्मिक कार्य आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि की बढ़त कर सकता है। दान करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज में उत्तम संबंध बनाते हैं। इस उपाय को करने से आपका दिल खुश और संतुष्ट होता है और आपको आत्मा की शांति मिलती है। ये धार्मिक कर्म करने से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है और आपको आत्मसंयम, उदारता और सहानुभूति का अनुभव होता है। इसके साथ ही दान करने से आपको कर्मफल में वृद्धि हो सकती है और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो सकता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका दान का संस्कार और धार्मिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज धनु राशि के लोग काम की अधिकता के कारण परेशान रह सकते हैं, जिससे उनकी व्यग्रता में वृद्धि होगी। ये संकेत देता है कि उन्हें समय का प्रबंधन करने और कार्य को संतुलित रखने की आवश्यकता है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। इसलिए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बनाए रखें। पारिवारिक बिजनेस में किसी भी प्रकार का बदलाव न करना एक सावधानीपूर्ण निर्णय हो सकता है, क्योंकि अनजाने में बदलाव नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन साथी के साथ संघर्षों या अद्यतन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये साथ मिलकर हल करने के लिए एक अवसर भी हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है तो वे अपने सीनियर से सलाह ले सकते हैं। इससे उन्हें सही दिशा मिलेगी और वे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आज किसी नई नौकरी की प्राप्ति का संभावना है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस नई अवसर को स्वागत करें और उसके साथ सही समय पर सही निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग भगवा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को पूजन से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पूजा विधि 1। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2। फिर पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम और नारियल आदि को संग्रहित करें। 3। पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। 4। उपरोक्त उपाय के अनुसार पीपल के 16 पत्तों पर जय श्री राम का लिखन करें। इसके बाद उन्हें हनुमान जी के हृदय स्थान पर रखें। 5। अंत में हनुमान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें अर्पित करें। 6। पूजा के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्राय महाबलाय नमो नमः आनजनेय महावीराय सर्वशक्तिशिराय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय का नियमित अनुसरण करने से आपकी लाइफ में चमक और सफलता की किरणें बिखरेंगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज मकर राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, जो उन्हें अधिक सफलता की ओर ले जाएंगे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि अत्यधिक काम के कारण उन्हें थकान महसूस हो सकती है, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर आराम करें। आज वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अनजाने में हादसों का खतरा हो सकता है। वे सुरक्षित और सतर्क रहें ताकि कोई अनपेक्षित घटना न हो। परिवार में सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से उनके मन में शांति और समाधान की भावना आएगी।
इससे उनकी मन की समस्याएं दूर होंगी और परिवार के बंधुओं के साथ मेलजोल और समरसता बढ़ेगी। उन्हें अपने परिवार के माता पिता की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका साथ उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें उनके सहायक बनकर समर्थन प्रदान करना चाहिए और उनकी चिंताओं और आशाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए एक उपाय है कि वे आज भगवान राम की बीज मंत्र जाप करना। ओम रामाय नमः। बीज मंत्र या बीज मंत्र भगवान राम के नाम से प्राप्त होने वाली सकारात्मक और मजबूत तरंगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद श्री राम जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम जी के सहस्त्र नाम का जाप आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। इसके साथ ही श्री राम जी को तुलसी पत्रों की एक माला बनाकर अर्पित करें। अर्पित करना भी एक शुभ उपाय है। तुलसी पूजा से आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है और धार्मिक साधना में सहायक हो सकती है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कुछ उलझन लेकर आएगा, जिससे उन्हें सावधानी और समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। उनके परिवार में कोई सदस्य जो घर से दूर नौकरी में कार्यरत है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। वे उनका सहारा बनकर उनका समर्थन करें ताकि वे अपने काम में सफल हो सके। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने साथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भाई या बहन के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। उन्हें अपने समर्थन का प्रदर्शन करते रहना चाहिए और उनके साथ खड़े होकर उनकी सुरक्षा और समर्थन करना चाहिए। बिजनेस में किसी बड़े बदलाव के सोच विचार करने से पहले कुंभ राशि के लोगों को ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। वे संभावित प्रतिकूलताओं और संघर्षों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे ताकि बाद में किसी भी समस्या का सामना करने की क्षमता हो। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे गणपति बप्पा की आराधना करें और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। गणपति बप्पा की आराधना करने से व्यक्ति को बुद्धि, बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना मिलती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से उन्हें सफलता, सुख और संतोष प्राप्त होता है। गणपति बप्पा की आराधना करने से व्यक्ति को विघ्नों से मुक्ति, संतुलन और शांति मिलती है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से उन्हें नई सोच, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिलती है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुद्धि, धैर्य और समर्पण की भावना मिलती है। इस मंत्र का जाप करने से उन्हें अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है, जो उन्हें उनके जीवन में प्रगति करने में मदद करती है। इसलिए आज कुंभ राशि के जातकों को गणपति बप्पा की आराधना करने और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से उन्हें आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए सावधानी और सतर्कता से बिताने की आवश्यकता है। वे किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें गलतियों में पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्हें धीरज और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, ताकि उनके जूनियर्स को कोई बुरी भावना ना हो। परिवार में उन्हें जीवन साथी की सलाह का महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए। वे उनके साथ खुलकर वार्ता करें और उनकी सलाह को महत्व दें। अगर कोई धन संबंधित मुद्दा लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा है, तो उन्हें इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही वे किसी से किए गए वादे को भी सोच समझ कर ही पूरा करें। इससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचाने में मदद मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मीन राशि का उपाय प्रेमरी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे आज शिव तांडव स्तोत्र का जप करें। शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। ये स्तोत्र मांगलिक, प्रेरणादायक और ऊर्जावान होता है, जो व्यक्ति को संतुलन और स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और उसका मन शांत होता है। इस स्तोत्र के जप से उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। इसलिए आज मीन राशि के जातकों को शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता मिलेगी।